नमस्कार, बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। नमस्कार आप सभी के साथ बोल जनता बोल लेकर मैं हूं पूजा कबिया। आज के सवाल क्यों रुक करते हैं, आज का सवाल दरअसल सिक्योरिटी को लेकर है। पूर्व सीएम और सुरजेवाला की सिक्योरिटी जेड प्लस से वाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिली है जेड प्लस सिक्योरिटी। वहीं अगर डेरा सच्चा सौदे की बात की जाए, उनके जो प्रमुख हैं उनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसके तहत 36 कमांडो उनके साथ रहते हैं और गाड़ियां भी रहती हैं। ये राउंड द क्लॉक उनके साथ रहते हैं, यानी कि 2400 घंटे प्रति व्यक्ति जेड प्लस सिक्योरिटी पर हर महीने की अगर खर्च की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबाओं को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का औचित्य आखिरकार क्या है, और यही हमारा आज का सवाल है कि अगर आप एक बाबा को जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, और दूसरी बात यह कि बाबाओं को जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत क्या पड़ेगी, और तीसरी बात यह ऐसे प्रदेश में जहां पर रामपाल जैसे बाबाओं को आप पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर दूसरी तरफ आप उन्हीं बाबाओं को जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं, और वो भी उन बाबाओं को जिनके नाम पर कई केस दर्ज हैं, जिन पर कई केस चल भी रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरु राम रहीम की। हालांकि बार बार हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अगर बाबाओं को जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है सरकार पर, ऐसे बाबाओं पर। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? 011-4321-4321 पर अपनी बेबाक राय रखिए। बिल्कुल, आम जनता से हम पूछना चाहेंगे कि आखिरकार आपको क्या लगता है, प्रति व्यक्ति की अगर बात की जाए तो जेड प्लस सिक्योरिटी पर तकरीबन हर महीने का खर्चा 10 से 15 लाख आता है। ऐसे में आम जनता को क्या लगता है, बाबाओं को संतों को क्या जरूरत है इस तरीके की जेड प्लस सिक्योरिटी देने की? एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ, हमारे पहले दर्शक एसएस बुरा जी जुड़ चुके हैं। एसएस बुरा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मैं तो राम रहीम, बाबा रामदेव, दोनों के माँ बाप दादा को देश के लिए कोई कुर्बानी देने वाला परिवार में से कोई पैदा नहीं हुआ। राजस्थान का कुर्सल मोहनिया का रहने वाला बाबा राम रहीम है, और महेंद्रगढ़ में अहीर परिवार में जन्मे रामदेव है। नेटवर्किंग के जरिए इन्होंने ज्ञान प्राप्त की, पैसा कमाया है जी। ठीक, इन्होंने सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं है, ना तो इनके पीछे रोने वाला है जब बाबा है, ना इनके पीछे परिवार है, ना कोई घरवाली है। जब कोई रोने वाला सिक्योरिटी का एक मर्डर हो जाता है, बीजेपी की मदद की थी, बीजेपी की भाई है, इसलिए कोई तौर पर सुरक्षा दी गई है। फिर भी इनका वो बढ़ाने के लिए, क्रेज बढ़ाने के लिए कम से कम इनके पैसा तो वसूल कर लो सिक्योरिटी देने का। आम आदमी को क्यों नहीं सिक्योरिटी दे रहे? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सवाल महज इतना ही बना हुआ है कि बाबाओं को संतों को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का औचित्य आखिरकार क्या है। और इस बीच अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें, तो उनकी जेड प्लस से सिक्योरिटी घटाकर वाई कर दी गई है। और इसी के साथ साथ अगर हम अभय चौटाला की बात करें, जो कि विपक्ष के नेता है, उनको भी वाई सिक्योरिटी दी गई है। राम सचदेव हमारे रेगुलर कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको हर मुद्दे पर बात कर रहे हो जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर राम रहीम रामपाल आश्रम की जगह सच्चा सौदा वाले की वो कर रहे हैं सिक्योरिटी वास्ते, यही कल तक इनके पास लाखों करोड़ों की राइफल बंदूकें ये वो मिली थी। अगर ये सरकार इनकी करती है तो फिर इसका मतलब सरकार इनकी एजेंट है, सरकार इनका वो है। अगर आज भी इनको ये हो रहा है, या पुराने जैसा सीएम है दोबारा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास तो हजारों बंदे उनके साथ रहते हैं, हजारों बंदे वो करते हैं, उनको सपोर्ट की क्या जरूरत है? सपोर्ट चाहिए जिस तरह आज दिल्ली में कांड हुआ है जी, अमेरिका वालों ने वो किया है। सपोर्ट चाहिए उनको, आम लेडीज को, आम उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी। आपका सवाल यह है कि आखिरकार इतनी सिक्योरिटी बाबाओं को क्यों, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी घटा दी गई है, अभय चौटाला की सिक्योरिटी घटा दी गई है, क्या बाबा सच में सिक्योरिटी के हकदार हैं? आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, अपनी बेबाक राय रखिए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर रविंद्र जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय है? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार।
मैम एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे देश की है कि ये भ्रष्ट तंत्र है हमारा, भ्रष्ट तंत्र। अब जब भ्रष्ट तंत्र को चलाने के लिए भ्रष्ट लोग ही चाहिए होते हैं, वही चला सकते हैं, शरीफ आदमी चला नहीं सकता इस तंत्र को, पता है। बाबा को इसलिए जरूरत है, बाबा साधु है, वो नेचर से साधु है। साधु का तिरस्कार जिस देश में होगा ना, तो वहां समझो अब आफत ही आई हुई है, अब उनका मतलब टाइम बुरा आ गया समझो। अब आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, साधु की मतलब बुराई करने में लगे हुए हैं सब, ये नहीं समझते देश पहले चल कैसे रहा है। जो इसको गलत तरीके से चला रहे हैं उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है, भई कैसे भ्रष्ट तंत्र को चला रखा है, सिर्फ बातें कर रहे हैं आम आदमी की लोगों के लिए लेकिन काम नहीं करते उनके लिए, और बातें करते अपने लिए बात नहीं करते लेकिन अपने लिए काम करते हैं लोग, और ऐसे लोगों का हम साथ दे रहे हैं। अब मैं तो हैरान हूं, आप सही और गलत तो पकड़ो ना, बाबा कौन सा गलत है उसको पकड़ो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबकी अपनी अपनी राय है, सिर्फ सवाल यही बना हुआ कि बाबाओं को जेड प्लस सिक्योरिटी देना आपको लगता है इसका औचित्य बनता है या फिर नहीं। अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी किस तहत दी जाती है, तो एक्स वाई जेड जेड प्लस ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, और एक्स सबसे कम होती है, वाई उससे कुछ ज़्यादा होती है, जेड सबसे ज़्यादा होती है, और जेड प्लस जो हम कहेंगे उसमें 36 लोग आपके साथ होते हैं, राउंड द क्लॉक वो आपके साथ होते हैं, यानी कि 2400 घंटे। और जिस तरह से मेरी सहयोगी बता रही थी कि इन लोगों का जो तकरीबन खर्च है, महीने का खर्च है, वो 10 से 15 लाख रुपये आता है। तो क्या एक बाबा को ऐसी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय रखिए, बेबाक राय रखिए, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कि जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गया, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? हेलो जी, श्याम मेहता जी, क्या कहेंगे आप? श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, या फिर अभय चौटाला की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की भी अगर हम बात करें, तो इन सबके पास वाई सिक्योरिटी है। पूर्व मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी घटा दी गई है, अभय चौटाला को वाई दी गई है, कुलदीप बिश्नोई के पास पहले भी वाई थी, उन्हें अब भी वाई दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि एक बाबा पर 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने का क्या औचित्य है, और तब जब कहा जाता है कि हरियाणा के पास वित्तीय घाटा 81,000 करोड़ का है। नीरज हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नीरज क्या कहेंगे आप? हेलो जी नीरज, कहिए क्या कहेंगे? मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है उसको दी जाए, जिसको नहीं जरूरत उससे वापस ले 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 ली जाए। जैसे अब बाबा है उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, साधु का मतलब ही है जिसने अपने शरीर को ही अपने अपने सारे सिस्टम को ही साधु साथ लिया, उसने उसको इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। और ऐसे ऐसे बाबा जिसके खिलाफ इतने मतलब इलीगल और ऐसे काम करते हुए पकड़े गए हैं, तो आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हमारा जो ये तंत्र है सब ये बिगड़ा हुआ है, सारा सिस्टम सब करप्ट है, तो इन्होंने सब आपस में मिले हुए हैं, इस इलेक्शन में भी इन्होंने बहुत इनके कहने पे सिट्टे सुटे दिए हैं, तो मतलब गलत है। ये सबको वापिस ले लेनी चाहिए सिक्योरिटी, सबको जिसको जरूरत है उसको देनी चाहिए, जिसको जरूरत है उसको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो नीरज हमारे एक दर्शक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसे जरूरत है उसे दी जाए, जिसे नहीं जरूरत उसे ना दी जाए, और आईबी की रिपोर्ट पर निर्धारित होता है अगर देखा जाए, लेकिन आजकल सरकारें डिसाइड करती हैं। बिल्कुल, और आखिरकार आम जनता क्या सोचती है, किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं। रविंद्र जी फिलहाल जुड़ चुके हैं, रविंद्र जी आप बताइए। चल लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पाया, आप फिर से जुड़िएगा, बताइएगा क्या कुछ सोचते हैं। तो जेड प्लस सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं और आम लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बाबाओं को संतों को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। गुलाब फिलहाल एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गुलाब जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है मैडम जी। गुलाब जी बताइए। इनको साधु संतों को तो सिक्योरिटी मिलनी नहीं चाहिए जी मैडम। साधु है जो उसको सिक्योरिटी का क्या मतलब है सर? जो साधु हो गया उसको सिक्योरिटी देते हैं तो कोई फायदे वाली बात नहीं, तो पैसा वेस्ट करने वाली बात है, अपनी पावर दिखाने की बात है। साधु का तो उसको सिक्योरिटी का क्या जी? जो भगवान का भगत है या जो कुछ है उसको तो कम से कम ये होना चाहिए उसकी तो वो सब की सुरक्षा करने की सोचा है, वही मैं पब्लिक को अच्छा करूं भला करूं, तो उसके साथ उसकी रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है जी? बिल्कुल, ये तो पैसा खराब करने वाली बात है मैडम, या अपना सत्ता का नशा दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए जी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेस्ट ऑफ मनी है ये इस तरीके से जेड प्लस सिक्योरिटी बाबाओं को देना, क्योंकि खुद वो भगवान में इतनी आस्था रखते हैं तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, ऐसा इन दर्शक का कहना था। आप लोग क्या सोचते हैं कि जेड प्लस सुरक्षा बाबाओं को मुहैया करवाई जानी चाहिए या फिर नहीं? अभी जब जेड प्लस की बात आई तो किस तरीके से आशुतोष महाराज का यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए, किस तरीके से समाधि में वो लीन हो गए थे, हालांकि उनके शिष्यों का ये कहना था, डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हो चुकी थी और मृत्यु के बावजूद भी उनको जेड प्लस सुरक्षा दे रखी थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कुछ फायदा है जेड प्लस सुरक्षा देने का, औचित्य क्या है, बाबाओं को जरूरत क्या है, फिर सरकार की तरफ से अगर ये सिक्योरिटी दी जाती है तो इसका औचित्य क्या है, मतलब क्या रह जाता है? सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, बाबा कहते हैं, उसके बाद आप सिक्योरिटी इतनी लेते हैं, क्या क्या चाहिए अगर हम पूछा जाए तो, आखिरकार एक सिक्योरिटी दी क्यों जाती है? सबसे बड़ी बात, अगर किसी को जान का खतरा हो या कोई वीवीआईपी हो, क्या किसी बाबा को जान का खतरा हो सकता है या फिर क्या वो वीवीआईपी की कैटेगरी में आ सकता है? अगर आ सकता है तो फिर औचित्य क्या है? हरिदास हमारे साथ जुड़ गए, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? हरिदास जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? यस सर, सुन पा रहे हैं जी, कहिए क्या कहेंगे। चलिए फोन लगता है कट गया। इस बीच राम सचदेवा हमारे रेगुलर कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राम सचदेवा जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार राम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर सब नमस्कार जी नमस्कार सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर मैटर पर, हर मुद्दे पर जनता को जागरूक करते हैं जी। और अगर देखा जाए तो ये कल तक डेरा सच्चा सौदा वाले या इनके कारण ही, मतलब सारा डेरा सच्चा सौदा या रामपाल जी के पास करोड़ों रुपए, करोड़ों के वो पकड़े थे, करोड़ों के वो हुए थे जी। है इसका मतलब, फिर भी अगर उनको ये देते हैं तो ये इनके एजेंडा या वो है, जब से मोदी सरकार बनी है जी, मोदी जी ही इनके खड़े खड़े जाते हैं, मोदी सरकार ही इनके पास जाती है जी। अगर सुरक्षा देनी भी है, आज दिल्ली में अमेरिकी कंपनी के एक लड़की से बलात्कार हुआ है जी, या मतलब वो लड़कियों से या और छेड़खानी होती है या और दूसरे परिवारों से, आम जनता को तो जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम लेडीज की सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षा देनी चाहिए, उनको सुरक्षा वो करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आपका बहुत अच्छी बात कही और एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसकी सच में जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा की उन्होंने बात की, कि इतनी सुरक्षा अगर हम संतों बाबाओं को दे रहे हैं, यही सुरक्षा अगर हम महिलाओं को दें तो कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं, अपने आप को महफूज समझ सकती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, जरूर अपनी राय रखिए। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, इस सवाल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मैडम, मेरा नाम सुरेंद्र सेलवाल है। चलिए सुरेंद्र जी, जी मैडम, ऐसा है इतिहास की दृष्टि में देखें, जब संविधान तैयार हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी बड़ी खुली, कि संविधान अगर गलत लोगों के हाथों में जाएगा तो संविधान कितना अच्छा हो, आखिरकार वो सही साबित नहीं कर पाएंगे। आदमी के हाथ में जाएगा संविधान, चाहे वो संविधान गंदा ही क्यों ना हो, वो फिर भी अच्छा साबित होगा। इस संविधान की ताकत का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, और आस्था के नाम पे ये जो काम हो रहा है, आस्था के नाम पे राजनीति इस देश में हो रही है, क्योंकि धार्मिक आस्था के इस देश में लोग बंधे हुए हैं और उनके वोट बैंक के चक्कर में इनको सिक्योरिटी दी जाती है, और ये जनता का पैसा जाया इस पर लगाया जाता है। अगर ये पैसा स्कूलों पे और गरीब बच्चों की शिक्षा पे सही ढंग से यूज किया जाए तो ये देश तरक्की कर सकता है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता अगर इस देश काम करता है तो उसको उसके सहयोगी भी कम होते हैं, और उम्मीद की जाने कि अब निकट भविष्य में इन चीजों के रिजल्ट आएंगे और इनके इनको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संत अगर को कहता है, बाबा कोई कहता है, समाज का वो त्याग कर देता है, समाज को दिशा देने का काम करता है, लेकिन ये तो सब भटित कर रहे हैं। अगर राम रहीम की बात करें तो 80 गाड़ियां इनको साथ चलती है, इनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? अगर ये परमात्मा से मिले हुए हैं, परमात्मा के दर्शन करवाते हैं, इनको तो निडर होकर चलना चाहिए समाज में, ये खौफ क्यों पैदा कर रहे हैं? इतनी सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री को नहीं मिलती, राष्ट्रपति को नहीं मिलती, इन लोगों की जरूरत क्या है? ये समाज का बड़ी विडंबना है, समाज में सुधार की जरूरत, और शिक्षा भी ये पैदा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। तो समाज की विडंबना है ये, और जागरूकता की जरूरत है कि किस तरीके से जहां जरूरत होती है वहां सुरक्षा नहीं पहुंच पाती, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं होती वहां पर इतनी सुरक्षा दे दी जाती है कि कहीं ना कहीं
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, दोनों ही चीजें यहाँ पर लगती हैं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र जी क्या कहेंगे आप? मैं इसके पीछे जो चीज देखता हूँ वो ये है कि पिछले देखो 50-60 सालों के अंदर यही हुआ है, इन दोनों का नेक्सस है, बाबाओं का और पॉलिटिशियंस का जी। और ये पूरा नेक्सस इस तरीके से काम करता है कि वो एक दूसरे को मतलब शह देते हैं। अभी आप बात कर रहे हैं कि हमारे देश की जो अगर सपोज करो आज जो प्रजातंत्र अलग तरीके का भी इन बाबाओं की वजह से ही तो है। इन बाबाओं ने आपको बहुत ऊपर रखा है ना, इन्होंने बोला है कि पहले पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, तो इस करके हमारे देश में क्रिमिनल तो छूट जाते हैं। हम तो जस्टिस जुडिशरी में भी हमने ये लिख के दिया हुआ है कि भाई उसका बेस ही हमारा फाउंडेशन ही इस बात से शुरू होता है कि एक कमजोर को बचाने के लिए आप चाहे जितने मर्जी बेईमानों को मतलब छोड़ दो। तो ये कैसे जब ऐसे बोलेंगे तो उल्टा ही हो जाएगा ना, इससे तो आप बेईमानों को छोड़ने का रास्ता छोड़ रहे हैं। आप ये कहिए कि हमने कमजोर को नहीं मतलब सजा देनी है लेकिन बेईमान को भी नहीं छोड़ना है। अब ये हमारा बेस बनना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हरियाणा के अंदर 10 साल से बाबा को ये जो राम रहीम है इसको कौन शह दे रहा था? ये बाबा जी को दूसरे उनको जो शह दे रहे थे उनको पकड़ो ना, जिन्होंने पहले स्टार्ट किए है काम। हम उनको कुछ नहीं कहते जो बाद में उनके पीछे पड़े हुए हैं, अरे उनका कितना रोल है? यही तो बात है, यही से हम गलती करते हैं। हम गलत चीज को सही बोल देते हैं, सही को गलत बोलते हैं, इसलिए देश में पूरा कंफ्यूजन खड़ा कर रखा है। हम लोगों ने खुद खड़ा कर रखा है, हम दबंग लोग हैं। हम लोग अपने मन के फायदे के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए जब चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। रविंद्र जी का कहना था कि 10 साल पहले से जब शह दी जा रही थी तब क्यों नहीं पूछा, अब क्यों पूछा जा रहा है? तो सवाल ये बनता है रविंद्र जी, तो क्या अगर पहले गलती हुई है उसको हम सवाल करें या ना करें, यानी कि अब गलती हो रही है उसे आंख बंद करके देखते रहें, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि अब अगर गलती हो रही है अब भी खड़ा किया जाए सवाल? जिनसे गलती हो चुकी वो तो चले गए, अब जो है उन्हें कम से कम रोका जाए, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल। तरसेम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तरसेम जी स्वागत है आपका, आप बताइए। हाँ जी हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, डेरा सच्चा सौदा एक पाक पवित्र संस्था है, ये 104 मानवता भलाई कार्य उन्होंने शुरू कर रखे हैं जिसमें सफाई अभियान, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह समाज में अच्छाई का काम करते हैं, तो इनको इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है मैडम। इनके साथ जो जिस तरह और चलते हैं आजकल का दौर चल रहा है, जिस तरह काफलों को रोक दिया गया, अगर जहां भी जाते हैं आगे से कोई मनगढ़ंत लोग हैं, जो बुराइयों वाले लोग हैं, वो पीछे जो संगत है उस पर भी अटैक कर सकते हैं। बाबा को कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, पिछली सरकार ने भी अपनी मर्जी से दी है, अभी अपनी मर्जी से दे रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा देखो, आप जहाँ जाके जयपुर में कहीं भी जाके डेरा सच्चा सौदा पाक पवित्र संस्था है, वहाँ सफाई बयान करती है, समाज भलाई के लिए वो कार्य करती है। अब जिस तरह पीछे अखबारों में पढ़ा गया अभी डेरा सच्चा सौदा वाले ट्रेनिंग देते हैं हथियार चलाने की, वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं देते हैं मैडम, वो तो सिर्फ आत्मरक्षा और समाज को जिस तरह को आग कहीं आगजनी हो गई है उस चीज को आपको कैसे काबू करना है, कैसे वो करना है, उस चीज की ट्रेनिंग देते हैं डेरे वाले। समाज भलाई के कारण इनको सुरक्षा दी जानी मैं सही समझता हूँ, कोई गलत नहीं है। इनके 5 करोड़ के लगभग श्रद्धालु है जो जिनकी इनके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है, आप इनके बारे में जो अच्छाई है वो बताइए ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दसेन जी। श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं, ऐसे में तो सुरक्षा खुद ही श्रद्धालु और जो अनुयायी हैं शिष्य हैं वो खुद ही करते हैं, क्या जरूरत है फिर इन बाबाओं और संतों को इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी देने की? बिल्कुल, सवाल हमारा किसी एक बाबा को लेकर नहीं है, सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझना होगा हम आपसे कर रहे हैं और उस सरकार से कर रहे हैं जिसको आप लोगों ने आगे तक पहुंचाया है, कि क्या बाबाओं को सच में सिक्योरिटी की जरूरत है? और अगर है भी तो क्या किसी बाबा को, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी बाबा, हम यहाँ नाम नहीं ले रहे, अगर आपको बुरा भी लग रहा है हम किसी की भावनाएं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, जेड प्लस जो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी होती है जो वीवीआईपीज को दी जाती है, 36 लोग आपके आसपास हमेशा रहते हैं, और तब जब प्रदेश 81,000 करोड़ के खर्चे में डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा है, उस वक्त क्या आप इतना खर्चा कर सकते हैं किसी एक बाबा पे? कि अगर बाबा को सच में सुरक्षा की जरूरत है तो बाबा अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी तो रख सकते हैं, क्योंकि बाबा के पास अगर इतने श्रद्धालु हैं तो आखिरकार काफी खासा अच्छा खासा दान भी आता होगा, और वो श्रद्धालु अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं आत्मरक्षा की तो वो बाबा की सुरक्षा भी कर सकते हैं। सतीश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सतीश। मेरा कहना है जी, हम लोग क्या है नकारात्मक सुनते हैं, नकारात्मक देखते हैं, तो कुछ सोच भी कुछ उस टाइप की हम लोगों की हो गई है जी। अगर हम सकारात्मक चीजें देखने की कोशिश करें, अधिकतर चीजों में अगर देखने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ अच्छा दिख सकता है उन चीजों में जी।
जैसे कि अभी जैसे सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो एक तो वो अच्छाइयों का काम कर रहे हैं भारत में, बेशक उनके अंदर कुछ अपनी हो सकता है बुराइयां हो, तो एक तो उस आधार पे इनके दुश्मन ज्यादा हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई हमला हुआ तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, पब्लिक इनके भक्त लोग भड़क सकते हैं जी। उस नजरिए से हो सकता है सरकार ने इनको सुरक्षा दी है, और मैं तो कहता हूँ हर बाबाओं को इस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, हर बाबा को ऐसी सुरक्षा मिलनी चाहिए, फिर चाहे हर 3 मिनट में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो। शायद कहीं ना कहीं ये आंकड़े या मेरी बात आपको गलत लग रही हो, आपको रोष भी आ रहा हो, आपको गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन ये एक फैक्ट है। अगर सारी सुरक्षा इन बाबाओं को दे दी जाएगी तो उन महिलाओं का क्या होगा जिन्हें आप लक्ष्मी पूजन के दिन पूजते हैं, जिन्हें आप कंजके कहते हैं, जिन्हें आप देवियां कहते हैं। जरा सोचिए इसको, सच में सोचिए इस मुद्दे को। बिल्कुल, एक और दर्शक फिलहाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर आप? हेलो जी, बताइए। मैम जो आप बोल रहे हो इनके बारे में, जो ये सिक्योरिटी दी हुई है, ये सरकार ने अपने दिए, डेरे ने मांगी तो नहीं। तो मैम आप इतना सब कुछ दिखाते हैं डेरे में, इतने मानवता भलाई कार्य जो दिखाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। डेरे में वैश्याओं की शादी करवाई जाती है, इतना पैसा खर्च किया जाता है मैम, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। वो मैम दिखाया करो ना आप, आपके गलत बात है वो आप दिखाते हो। चलिए, हमारा मकसद किसी भी यहाँ पर किसी भी डेरे को, किसी भी संत को, किसी भी बाबा को गलत ठहराना नहीं है, सिर्फ है कि बाबाओं को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवाना आम जनता की नजरों में सही है या फिर नहीं। हो सकता है आपको लगे कि सही है, देनी चाहिए, उनके भक्त इतनी तादाद में होते हैं। बहुत से लोगों को लग सकता है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा कहीं और यूज की जानी चाहिए। चलिए आपको एक खबर से रूबरू करवाती हूँ मैं। कुछ दिन पहले ये हमारे चैनल में दिखाई गई थी, एक व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग था, या हम कहें कि मेंटली रिटार्डेड था, उसके माँ बाप काफी गरीब थे, खर्चा नहीं उसका कर पा रहे थे वहन। आखिरकार जो डेरे के कुछ लोग आए वो उसको अपने डेरे में ले गए उसके इलाज के लिए, और ये खबर हमने दिखाई थी। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि डेरे में जो अच्छी चीजें होती हैं वो आप नहीं दिखाते, यकीन मानिए जो भी खबर हमारे तक आती है हम उसे हमेशा निष्पक्ष रूप से दिखाते हैं, और यहाँ पर हम डेरा सच्चा सौदा पे सवाल नहीं उठा रहे, हम सरकार की जो एक तरह से जो कार्यवाही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील। सुशील क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? सुशीला जी क्या कहेंगी आप? मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन बाबाओं को क्यों दे रही हैं ये सुरक्षा, जबकि इनको पता होता है कि ये औरों का भविष्य बताते हैं, इनको खुद को अपना भविष्य पता है। अगर इनको सुरक्षा चाहिए, जिस दिन ये अपना, इनको ये तो पता होगा तब इस दिन हम पे ये कार्रवाई होनी है या इस दिन हमारा ये बुरा टाइम चल रहा है, तो ये उस एक दिन क्यों नहीं ले सकते सिक्योरिटी? इनको इतने दिन से लगातार देने की क्या जरूरत है? ये औरों का भविष्य बताते हैं, क्या इनको अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सुशीला जी आपने, और जो आजकल भ्रम फैला रहे हैं लोग उसको लेकर आपने बहुत अच्छा कटाक्ष किया कि लोगों को भविष्य बताते हैं, क्या इन्हें अपना भविष्य नहीं पता? बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला जी आपका। महेंद्र जी जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी आप बताइए। हाँ मैडम, ऐसा है कि इस मामले में जो इनको सिक्योरिटी दी जाती है जेड प्लस या वाई, इस टाइप में गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी जो हमारे आम पब्लिक का पैसा है इन तथाकथित बाबाओं पे खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति चमकाने के लिए, अपनी वोट प्राप्त करने के लिए, अपनी अब मतलब हमारा पब्लिक का खून पसीने की कमाई को ये इनकी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, वो भी बाबाओं की।